अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों का। तो आप सब खैरियत से, मजे से, मैं भी ठीक हूँ, मजे से हूँ। तो भाई आज है अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन। तो भाई ईद के दिन जो होता है ना, एक अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही मज़ा होता है, और ब्लॉग बनाने की अलग ही खुशी होती है। क्योंकि यार ईद ईद होती है यार, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो, ईद तो ईद होती है। तो बस अभी फटाफट जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, टाइम बहुत हो गया है, नमाज़ पढ़नी है, फिर जो है कसाई आएगा उसका इंतज़ार करना है, बहुत सारे काम है। और आपको पता है ईद के दिन हम लड़कों की जो है ना सही वाली वाट लगी हुई होती है, क्योंकि हम लड़कों को इतने काम करने होते हैं कि आप लोगों की सोच नहीं होती। तो बस सारे काम करने हैं, सब काम पूरा दिन आज जो है ना काम ही काम में जाएगा, सफाई सुथराई काम, गोश वोश ये वो सारे काम होंगे। लेकिन उससे पहले नमाज पढ़ते हैं, और उससे भी पहले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। A few moments later. जी मेरी यूट्यूब फैमिली, वही वेलकम बैक। और आप लोगों को बहुत 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 ईद की मुबारकबाद हो, तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई। अल्लाह पाक की इस ईद के नहीं, इस ईद के मौके पे आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपकी कुर्बानियों कबूल फरमाए, मेरी आपकी हम सब की कुर्बानियों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और इस ईद को हमारे लिए जो है ना पिछले साल की ईद से भी बेहतर बनाए, और आने वाली ईद को, आने वाली जितनी भी ईदें आने वाली हैं उन ईदों को इस ईद से भी बेहतर बनाए। तो मेरी ये सब लोगों से दुआ है, और आप सब जो है अपने घरों में हंसें खेलें मुस्कुराएं। और हाँ यार प्लीज़ इस ईद पर जो है उन लोगों का ख्याल लाजमी रखिएगा जो मुस्तहिक हैं, जिनको वाकई इस ईद की ज़रूरत है, जिसको हमारे गोश्त की हमारी कुर्बानी की ज़रूरत है। तो उन लोगों का लाजमी आपको ख्याल रखना है, और आसपास देखें कि कौन कौन हैं, कौन कौन ज़रूरतमंद हैं, आपके अपने ख़ानदान में भी देखें कौन कौन ज़रूरतमंद है, तो पहले उनको दीजिए, और फिर थोड़ा बहुत बच जाए तो अपने लिए रखिएगा, और ज़्यादा जो है ना खाएगा पिएगा नहीं। क्योंकि ईद के बाद अक्सर जो है ना लोगों की शिकायतें आती है कि पेट ख़राब हो रहा है, बदहज़मी हो रही है, और जो है ना लोग जो है ना गैस की गोलियाँ ले रहे हैं, और जो है ना मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम की गोलियाँ डॉक्टर पर जा के ले रहे हैं। और बस आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। लेकिन यार छोटा मुंह बड़ी बात, एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप बोलेंगे यार पका रहा है ईद के दिन, लेकिन भाई पका नहीं रहा, लेकिन सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। वो क्या है, वो ये है कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं, ये कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी एक नाम नहीं है, कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी है जो हमें इस ईद पर करनी है। जानवर की कुर्बानी के साथ साथ हमें उस चीज़ों की कुर्बानी करनी है। वो क्या है, अपनी अना, अपना बुक्स, अपना कीना, जो हम लोगों की नहीं चुगलियाँ करते हैं, जो हम लोगों की बुरा सोचते हैं, जो हम झूठ बोलते हैं, जो हम मिलावट करते हैं, जो हम एक दूसरे से फरेब करते हैं, जो हम नाप तोल में कमी करते हैं, इन सब की कुर्बानी हमें करनी है इस ईद पे। ये जो जानवर हम कुर्बान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जानवर कुर्बान हो रहा है, अल्लाह ताला को आपकी नीयत चाहिए होती है, अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है। अल्लाह ताला को ना गोश्त चाहिए, ना जानवर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला सिर्फ आपकी नीयत चाहिए कि आपकी नीयत क्या है, और आप क्या सोचते हैं, आप क्या अहद करते हैं आने वाले अपने साल के लिए। तो बस मेरे से एक छोटा सा मैसेज है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, कुर्बानी करें, कुर्बानी के साथ साथ इन सब चीज़ों की भी कुर्बानी करें अपनी ज़िंदगी से, तो इंशाल्लाह ताला आपकी मेरी हम सबकी जो है ना लाइफ बेस्ट से बेस्टेस्ट हो जाएगी। तो बस अल्लाह ताला हम सबको ये सब चीज़ें करेंगे तौफीक अता फरमाए। फटाफट जाता हूँ, अब्बा की आवाज़ आने वाली है, फटाफट कपड़े चेंज करता हूँ, कसाई आने वाला है, फटाफट जो है ना सारे काम करने, ठीक है। तो बस मैं यूँ गया और यूँ आया। 5 minutes later. लो जी, तो भाई पहला काम आ गया है अब्बा की तरफ से कि गाड़ी बाहर निकालो, सही है। तो कामों की शुरुआत हो चुकी है, सर फहरिस्त जो है अलग काम है। और देखो जैसा कि भाई आपके भाई ने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया है, तो अब यही यूनिफॉर्म जो है ना पूरा दिन मेरा रहेगा। A little longer than a few minutes later. जी दोस्तों, तो भाई कसाई हमारे आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के पाबंद हैं, और जो है ना उस्ताद हमारे जो है ना मेन उस्ताद ये खड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं कि जूते फुल चीता प्रिंट पहनकर आ गए हैं उस्ताद आज जो है ना। और चीते की उस्ताद जो चीते वाले जूते पहनकर आया ना, चीते की स्पीड से काटना है वो छड़ा, ये भी बता दूँ, और गोश भी चीते की स्पीड से बनाना है, पक्की बात है, बस सही है। तो भाई तैयारी शुरू है, बछड़े गिराने की तैयारी शुरू है, फटाफट उसको पानी शानी पिलाएंगे, और मैं दुआ पढ़ता हूँ जब तक, और जो है ना दुआ पढ़ के फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। उस्ताद नई नई छुरी लेकर आए इस दफा, उस्ताद नई छुरी, तुम्हारा जूते टाइट लग रहा है, कुछ लगे ना लगे, हाँ फूक दे कर लिया।
जी मेरी जो फैमिली, तो भाई बड़ा ही मुश्किल काम होता है अपने बछड़े को जो है जिस दिन आप उसको रखो 5-7 दिन और उसको जुबा होते अपने सामने देखना, तो यार मोहब्बत से हो जाती है। लेकिन क्या करें यार, अल्लाह के नाम कुर्बान तो करना, इसी को तो कुर्बानी कहते हैं और इसी को तो वो कहते हैं कि। और बेगम का हाल देखें, बेगम रो रही थी इनको लिटरली इनको रोना आ गया था। और ये है ना, रोने के बाद अपने बकरों के पास आ गई कि चलो जल्दी से इनको प्यार कर लूं। और जो है ना, क्योंकि कुछ देर बाद ये भी कुर्बान होने वाले हैं बेचारे, तो फटाफट बस जो है ना इन दोनों की बारी भी आ गई। हाँ भाई, रेडी हैं इनकी कुर्बानी के लिए भी। बुरा लग रहा है ना थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है ना भाई, ये भी तो ज़रूरी है। हाँ भाई, तुम ये खाओ ना, ये खाओ, ये लो, ये खाओ भाई। जी भाई, तो सीन ना कुछ ऐसा है कि भाई गाय वहाँ हमारी बन रही है और बकरे की ने भी कसाई आ गए, तो इस दफ़ा जो है ना फुल सीन। हाँ भाई, तुम क्यों उदास हो, हैं? तुम्हारा दोस्त ज़िबा हो गया इसलिए है ना? तो भाई ये बेचारा बहुत उदास है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यही घुमाता था। तो अब जो है ना बकरे कटने की बारी आ गई है, तो बकरे भी ज़िबा होंगे अल्लाह की राह में। तो भाई पापा ने सारा काम जो है ना फुल ऑन फुल प्रूफ रखा हुआ है कि सारे काम फटाफट निपटा के फारिग करें। तो मैं जाता हूँ फटाफट बकरा काटता हूँ, बकरा काट गया, चला गया। फिर अब क्या होगा, अब आपको पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। 15 मिनट्स लेटर गाइस, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी डन। मैंने फर्स्ट टाइम भाई जो बार है, मैंने फर्स्ट टाइम कुर्बानी, मतलब मैंने जो है ना वो जो छुरी फेरते ना, पहले फेरी है लेकिन बहुत टाइम फेरेंगे, अक्सर पप्पा फेरते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जब तक आप हैं आप घूम से छुरी फेरेंगे, मेरा फर्ज बाद में, पहले आप है, तो पप्पा पहले फेरते हैं। लेकिन इस दफ़ा बकरे आए हुए थे, आपको डर लगता है शायद, मुझे थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन इस दफ़ा बकरे आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो बकरों में फेरूंगा, बस बड़े में आप फेरे। तो भाई अलहमदुल्ला कुर्बानी डन हो गई है, वो सारा जो है ना आ गया है, गोश्त भी रेडी हो गया बकरे का। ये दो बकरे का गोश्त है, ये दो बकरे हैं इस पतीली के अंदर, ये दो बकरे हैं, स्विमिंग पूल है मेरी पतीली में जी। तो ये बकरे रेडी हो चुके हैं, बछड़े बाहर रेडी हो रहे हैं, और असल काम जो है ना वो अब शुरू होगा। कौन सा काम होगा? गोश्त बांटने का। गोश्त बांटने का, तैयारी कर लो और असली चढ़ा लो, बहुत सारा काम। 2000 years later। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, तो भाई अब हमारी कुर्बानी जो है ना फाइनल मराइल में आज की दाखिल हो चुकी है। और फाइनल मराइल क्या है, टाइम हो रहा है 12, हालांकि हमें फारिग होना था 10:30-11 बजे, लेकिन माशाल्लाह बांटते बांटते करते करते सबका जो है ना 2 घंटे हमें लगे हैं, क्योंकि यार सबका हिस्सा पहुँचाना है, क्योंकि ज़रूरी है जो ज़रूरतमंद है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो ज़रूरतमंद है उनको पहले देखना है, अपने आप को बाद में देखना है। तो अभी आप ये देखें, बेगम ने और मम्मा ने पूरी टेबल सजा दी है, ये सब गोश्त बटेगा, सब रिश्तेदारों के, सबके जिन जिनके जाना है सबके नाम लिखे हुए हैं। ये मम्मा सब नाम ले लिख के लगा रही हैं, और पहले से महानू ने सारे नाम ले लिख के रख दिए हैं। हाँ भाई, सबका हो गया पक्का, कोई रह तो नहीं गया, वैसे सबके लिख दिए है ना, चलो कोई रह गया तो आएगा कुछ तो वहाँ से दे देंगे, मसला नहीं है। तो भाई ये देख लें आप, पूरी प्रॉपर सेटिंग होती है, तो आप भी अपने घरों में इस तरह सेटिंग करें। मुझे पता है आप लोग करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह सेटिंग करें। और जो है ना सबको एक एक बंदे को आपने गोश्त पहुँचाना है इस दफ़ा, और जिस जो मुस्तहिक है उसको ज़्यादा जल्दी गोश्त पहुँचाना सबसे पहले। तो बस अभी ये सेटिंग हो रही है, बाहर का हाल देखे, बाहर का हाल बेहाल हुआ हुआ है पूरा, ये देख रहे हैं आप। तो भाई ये कुर्बानी का मज़ा है, ये कुर्बानी के सीन्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ से हाल बुरा हुआ हुआ है, ये देखें। तो अभी सफाई उतराई करनी है, अभी मैं अपने यूनिफॉर्म में थोड़ी देर और रहूँगा, उसके बाद अपने यूनिफॉर्म चेंज करूँगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बहुत गंदा हो गया, उसको अभी और गंदा होना है। तो बस अभी सफाई सुथराई कराता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर। A few moments later. जी मेरी YouTube family, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह खा शाना खा लिया, कलेजी वलेजी खा ली, बेगम कलेजी आज की जो ना तुमने बड़ी सख्त बना दी, गलाई नहीं थी बकरे की थी, लेकिन थोड़ी गली नहीं थी। अब अल्लाह ख्याल करे जब वो गलेगी और जब आएगी तो कैसे आएगी, बस अल्लाह बेहतर जानता है। खैर बहरहाल अब क्या करें, खा ली जैसे था। तो बहरहाल अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि भाई इनकी अम्मा ने जो है ना हमारे तीनों बेटों की माशाल्लाह से तीनों की जो है ना मैचिंग कराई है इस दफ़ा। तो आप ये देखें आप, वाह भाई वाह, दिखाओ क्या लिखा हुआ है, ईद उल अज़हा मुबारक, सही से दिखाओ सियान, ये देखो हमारे बल्लास की भी सेम है भाई, हमारे बल्लू की भी सेम है भैया, हमारे बल्लास की भी सेम है ना, तीनों भाइयों की मैचिंग जो है ना सेम है, एक जैसी है तीनों भाई। और जो है ना इनकी मम्मा ने कहा कि भाई ये तीन हैं
अमर अकबर एंथनी, तो इन तीनों की मैचिंग अच्छे से कराऊंगी। तो भाई ये फिर से जो है ना, ये देख लें आप माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नजर ना लगे भाई, सही है। तो भाई कमेंट्स में बताया कैसे लग रहे हैं मेरे बच्चे, और ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है इनकी अम्मा करती रहती है इनके साथ साथ, है ना बल्लू, है बल्लू, है ना बल्लू, हाँ हाँ बल्लू, बल्लू कुछ तो दिखा दो, अच्छा गुस्सा करके दिखा दो, गुस्सा करके दिखा दो। ए हमारे मंतू का भी तो है ऑरेंज, दिखा मंतशा सूट दिखाओ, हाँ मंतशा ने कितना अच्छा डॉल वाला सूट पहना हुआ है, डॉल जैसा दिखाओ, डॉल वाला है ना, है ना मंतशा। तो भाई डॉल वाला सूट मंतशा ने पहना हुआ है, तीनों भाइयों ने जैसा सूट पहना हुआ है। तो भाई फुल ईद की तैयारी भाई बच्चों की चल रही है भाई, और ईद वाकई बच्चों की होती है यार, हम तो हमारे हम लोगों की ईद वीद कुछ नहीं होती, हर सब चीजें बच्चों की नहीं होती। तो अप्रोक्सीमेटली 10 hours later जी मेरी ट्यू फैमिली, तो भाई गुड इवनिंग। और जो है ना सीन कुछ ऐसा है कि भाई अब जो है ना ईद पे जो है ना हमारे फर्स्ट डे कुछ हो ना हो, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और बहुत अहम बहुत ख़ास होती है, शायद कहीं होती हो शायद कहीं ना होती हो, तो वो ये होती है कि भाई ईद के दिन जो है ना हमें मतलब बकरीद पे भी जो है ना हमें मिलती है पप्पा से ईद ही। तो भाई आज का दिन तो कुछ मतलब शाम के टाइम तो कुछ होता नहीं है, तो अब जो है ना मैंने कहा भाई अब आप पप्पा ईदी दे दें, हमें ईदी की सख्त ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत किसको कब नहीं होती भाई। तो अब फटाफट चलता पप्पा के कमरे में और जो है ना ईदी का सीन ऑन करते हैं, पप्पा के कमरे में चल गया। चलो बता बकरीद पे ईदी मिल रही है, सच और क्या बात है। हाँ ओए 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 वाह वाह ओए, बल्लू को भी ईदी मिली, ये रही बल्लू की ईदी, बल्लू की सॉक्स का नोट नंबर है बल्लू है, लास्ट को भी ईदी मिली है। हाँ महानूर आई आई है, नंबर आ गया आपका, नंबर आ गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मेरा भी नंबर आ गया। ये मिलना ही बहुत बड़ी बात है बकरीद पे, है ना, ये मिलना ही बहुत बड़ी बात है, है हाँ दरअसल ओहो ये क्या ओहो वाह भाई वाह, इतनी शराफत मम्मा दिखा रही हैं, कहीं हमें कम दे दो, यकीन नहीं आ रहा क्या लाख हो गए भाई। भाई ये बात तो है, सारे पैसे जो है ना बछड़ा और बकरे ले गए, और जो पता कुछ जो है ना वो आज कसाई ले गया, तो सारा हिसाब किताब जो है ना कसाई और बकरे वगैरह सब जो है ना निपटा दिया, इसलिए जो है ना ईद में प्रोडक्ट काम है, लेकिन शुक्र है कि भाई बकरीद भी ईदी मिल तो रही है, वरना बकरीद ईदी मिलती कहाँ है भाई, सफारी करते थे ऐसी। तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा नोट चाहिए, दिखाना 1 crore का नोट, ये देखें आप सियान को 1 crore का नोट चाहिए, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आएगी 1 crore का नोट हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क की ये हालात हो जाए कि 1 crore का नोट बने हमारे मुल्क में। ओह वाह भाई अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, तुम खुश मत हो, तुम्हें नहीं मिल रही है, हाँ अदालटा पकड़ रही है, इंतजार में बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ, तुमने जो मुझसे टेलर के पैसे दिए थे लाओ वो दे दो, तुम्हारा सब उधार पूरा हो जाएगा, लाओ ला, तुमने उसे 2000 रुपये उधार लिए थे ना, लाओ चौदह साल की तनख्वाह तो आ गई, लाओ तुमने उसे उधार लिए थे ना वो दे दो, लाओ चल निकल निकल निकल। ये देखें गाइस ईदी की रिश्वत में महानून ने जो है ये बनाया है, सही है मीठा क्या। ये देखें मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी प्यारी सी बहू महानून ने बनाया है, क्या बनाया है, मेरी बहू बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, बिरयानी भी अच्छी, बिरयानी बहुत जबरदस्त बनाई मेरी बिटुआ ने आज, मैं खुश हो गई, और बनाया गया ये तो बताओ, मैंगो सागो डेजर्ट, सागो डेजर्ट
ये पता नहीं कौन कौन से माल है भाई, यहाँ तो पता ही नहीं है। चखाओ तो कैसा है, दिखाओ चखाओ आज कैसा है। अलग है भाई, अलग है, अलग चीज है, जबरदस्त। जी मेरी ड्यू फैमिली, तो भाई ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया। तो भाई पहला दिन जो है ना हमारा ऐसे ही गुजरता है, क्योंकि हमारा क्या आप सबका ऐसे गुजरता होगा, काम में सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में गुजरता होगा। जाहिर है गोश्त बनवाना, बांटना, फिर सही तरह से उसको पहुँचाना, रिश्तेदारों तक पहुँचाना, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो हमारी ईदी मिलेगी ईद के चौथे दिन, जब हमारे घर में दावत होगी, जब हमारे घर में दावत होगी तब तुम्हें ईदी मिलेगी। तो वह भाई ये जो है ना औरत ईद के बगैर, ईदी लिए बगैर मानी, हालांकि ईद को ईदी होती नहीं है लेकिन इसको ईदी चाहिए। चलो मैं दे देता हूँ यार, ये रहा बेगम तुम्हारी ईदी, सलाम करो, सलाम करो, बेशरम औरत सलाम करो, ईदी ईदी दे रहा हूँ। अच्छा यार पकड़ो, और दे रहा हूँ, इनको वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम आ रहा है मंदू को, जाओ पहले वॉशरूम करो फिर तुम्हें ईदी मिलेगी। जी बेगम हो गया हम फारिग, बीच बीच में आपके काम आ जाते हैं ना, तो ये अब बहुत मुश्किल काम है। ये लो भाई, अब मैं आना सीरियसली, ये तुम्हारी ईदी। पहली बात थी कि मेरे ही पैसे थे जो मम्मा ने मुझे ईदी दी थी, मैंने आपके पास रखवा दी। देखो फॉर योर कन्फर्मेशन, जिसके पास जो पैसा होता है वो उसी का होता है, सही है ना। तो ये मेरा पैसा है, मेरी जेब से निकला तो मेरा पैसा हुआ, समझ में आई तुम्हारी ये मोटी मोटी जो बुद्धि है इसमें समझ में आई तुम्हें ये बात, नहीं आई तो ये पकड़ो और। अच्छा पकड़ो तो दे रहा हूँ, और दे रहा हूँ, अच्छा दे रहा हूँ पकड़ो, एक करोड़ का नोट फिर निकले जा रहे हैं भाई, निकल गई इनकी ईदी और ये है इनकी ईदी। अस्सलाम वालेकुम, तुमने ना तबा बर्बाद कर दी है, जिसकी ऐसी बीवी हो ना वो बैंकक्रप्ट हो सकता है, तो लिहाजा शादी करने से पहले सोच समझ के करिएगा। ये लीजिए, अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो करो, अस्सलाम वालेकुम, अब निकल लो, नहीं करती ना अभी भी थप्पड़ आता है खींच के। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, तो भाई ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया हो। भाई पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बस बस मस्त है, ठीक है ना। तो बस आज का व्लॉग अभी खत्म होता है, दिन का मतलब दिन आखिरी बस यही था हमारा, और मतलब फर्स्ट डे इतना कुछ होता नहीं है यार, दावत है सेकेंड डे से स्टार्ट होंगी, तो बस इंशाल्लाह दावत वक्त जानी है कल से जो है ना, बहुत सारी दावत हैं इस दफ़ा, तकरीबन ऑलमोस्ट हफ्ते तक दावत है, तो बस दावतें फोड़ेंगे, आपको दिखाएंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, आप भी अच्छे खाने खाएं, अपने घरों में खुश रहें, और जो है ना एक दूसरे को पूछें, दूसरे के घरों में जाएं, खुद भी अपने लोगों को अपने घरों में बुलाएं, और ख़ास तौर पर गरीबों का ख्याल करना है, अपने बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। तो बस मैं दिखा लगे अच्छे व्लॉग के साथ, इस उम्मीद के साथ ख्याल रखेंगे, फ़ियाँ अल्लाह हाफ़िज़।